आज मुझे गौरव है और गर्व भी है कि हमारे विश्वविद्यालय का स्टूडेंट्स और हमारी फैकल्टी ने काफी सारा रिसर्च किया है और ये रिसर्च के वजह से सोसाइटी को काफी सारा फायदा भी मिल रहा है। मैं जानता हूं ये मेरा फार्मेसी डिपार्टमेंट ने डायबिटीज के लिए और काफी सारी जो हमारी मुश्किलियां है, समस्या है, उनके लिए दवाई और काफी सारा रिसर्च करके समाज के सामने एक अच्छा जो कंक्लूजन दिया। नमस्कार, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी का जो फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से कैंपस में काम कर रहा है। रिसर्च की बात हो, पेटेंट की बात हो, या फिर स्टूडेंट के प्लेसमेंट की बात हो, सब में फार्मेसी डिपार्टमेंट अव्वल नंबर है और 24/7 ये हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है। जो अभी कुछ कोर्सेज चल रहे हैं यहाँ पे हमने शुरू किए हैं, पूरे गुजरात में, मैं तो कहूँगा पूरे इंडिया में सबसे पहले अगर कहीं शुरू हुए हैं ये कोर्स तो सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के फार्मेसी डिपार्टमेंट में शुरू हुए हैं। आप फार्म डी को ले लीजिए, प्लेसमेंट की ढेर सारी पॉसिबिलिटीज़ के साथ हमने ये कोर्स शुरू किया है और हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट जो डॉक्टर मिहिर रावल उनके HOD है उनकी अध्यक्षता में बहुत बढ़िया तरीके से वो काम कर रहा है। वी आर प्राउड ऑफ दिस डिपार्टमेंट। नमस्कार, myself Dr. Mihir Rawal, I am the head of this department. This department was established in the year 2006 under the able leadership of Professor Dr. Naveen Sheth. This department imparts various courses like M.Pharm in 6 different branches, B.Pharm, Grantinate PharmD and PhD in Pharmacy. Apart from that, it also imparts 2 certificate courses. Certificate course in dialysis technique and postgraduate diploma in clinical research. This department has received a various research fundings from different granting agencies like AICTE, UGC, GUJCOST, DBT, DST, etc. worth rupees 12.5 crores. And this department has published various national and international research papers along with 5 patents. Thank you very much. For M.Pharm program in pharmacology. Thank you. Thank you.
Myself, Pawan Kukreja. I am a student of M.Pharm Semester 1 Pharmaceutics in this department. Here we are performing the various type of pharmaceutical experiment regarding to the solid oral doses form, nanoparticulate drug delivery system, and improvement of the functionality of various API. Thank you.